नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में 27 और 28 सितंबर को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा प्रवचन, 26 सितंबर को 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा 55 एकड़ पर पंडाल बनेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आगामी 27 और 28 सितंबर को भोपाल में कथा प्रवचन देंगे। 26 सितंबर को 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकलेगी और 28 सितंबर को दिव्य दरबार आयोजित किया जाएगा। कथा का समय दोपहर 2 बजे रखा गया है, जबकि दिव्य दरबार सुबह 10 बजे होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसके बारे में मंगलवार को जानकारी दी। मंत्री सारंग ने बताया कि हनुमंत कथा का आयोजन पीपल्स मॉल के पीछे करोंद स्थित 55 एकड़ भूमि पर होगा, जहां कथा पंडाल बनेगा। कथा में देश भर से लगभग 10 लाख लोगों की उपस्थिति की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पंडित शास्त्री के साथ गणेश पूजन और गणेश विसर्जन भी होगा, जिसके लिए कथा स्थल के पास कई विसर्जन कुंड बनाए जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहले भोपाल में 16 से 18 सितंबर को कथा होने की योजना थी, लेकिन बारिश के कारण ये आगे के दिनों में स्थगित कर दी गई थी और अब ये 26 से 28 सितंबर के बीच होगी। शास्त्री के समर्थन में 16 से 18 सितंबर के बीच भोपाल में कथा आयोजित होने की योजना थी, लेकिन बारिश के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था और अब ये 26 से 28 सितंबर के बीच में होगी। अन्ना नगर से निकलेगी शोभा यात्रा। मंत्री सारंग ने बताया कि पंडित शास्त्री 26 सितंबर को भोपाल पहुंचेंगे और उनके साथ करीब 5000 वाहनों की प्रक्षिप्त काफिला होगा, जो लगभग 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालेगा। यह शोभा यात्रा अन्ना नगर से प्रारंभ होकर कैलाश नगर, ओल्ड सुभाष नगर, पंजाबी बाग, परिहार चौराहा, अशोक विहार, महामाई बाग स्टेशन, चांदबड़, सेमरा मंडी, सुभाष कॉलोनी, सम्राट कॉलोनी के रास्ते पर पहुंचेगी। यहां करीब 300 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधित्व में लगभग 1500 स्वागत मिलेगा। इसके बाद कार्यक्रम के लिए वाहनों की प्रक्षिप्त काफिला दिव्य दरबार पंडाल पहुंचेगा, जहां कथा प्रवचन होगा। मंत्री सारंग ने कहा कि कथा के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण बागेश्वर से भी आएंगे, इसके लिए वहां से एक विशेष ट्रेन भोपाल के लिए निकाली जाएगी। शास्त्री के प्रवचन के दौरान दरबार के साथ संगठनों के द्वारा पूजा अर्चना का आयोजन भी किया जाएगा। कथा के आयोजक श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव और अध्यक्ष बनमाली मोदी ने भी इसकी योजना तय की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।